और जो अभी यू नो अभी फेस्टिविटीज़ ख़त्म हो गई है, मार्केट में हम देख रहे हैं वॉलीटिलिटी है, लेकिन एक पॉजिटिव ट्रेंड पे चल रहा है। लेकिन बीच बीच में हमको दिखा देते हैं मार्केट के नहीं अभी थोड़ा करेक्शन बाकी है, तो क्या लगता है ट्रेंड अभी और कितना करेक्शन आप देख रहे हैं मार्केट में? देखिए, न्यूज़ फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि अर्निंग सीजन की नंबर जो आई वो अच्छी ठीक ठाक है, अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस है। द सेम टाइम जीडीपी और इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी कोई दिक्कत नहीं है डोमेस्टिकली। मगर इशू क्या है कि जैसे हमें पता है कि ऑलमोस्ट 35 से 40% हमारा मार्केट का फ्री फ्लोट एफआईएस के हाथ में है, तो एफआईएस की फ्लोज में जो उतार चढ़ाव आती है मार्केट में भी, उसके कारण वॉलिटिलिटी बढ़ती है। तो तीन चार हमें एक्सटर्नल मैटर्स के ऊपर ध्यान देने के लिए ज़्यादा मायने रखेंगे। वो होगी एक क्रूड का प्राइसेस, क्योंकि क्रूड अभी सॉफ्ट ट्रेंड में है तो वो अच्छी बात है, मगर कुछ भी न्यूज़ आपकी नेगेटिव क्रूड के लिए और क्रूड आउटलुक बदलती है एक राइजिंग क्रूड प्राइसेस टेरिटरी, फिर एफआईएस भी थोड़े इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ओवरऑल अमेरिका की जो फेड की जो पॉलिसी है जो डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग स्टार्ट्स और इन्फ्लेशन, ये तीनों को अगर अगर आपको दिख रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है शायद, तो फिर फेड की जो रेट हाइक की प्रोग्राम वो पॉज होगी और रेट कट भी शामिल आएगी, तो वो अच्छी खबर है ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट फ्लो के लिए, जिसमें इंडिया का भी हमें शेयर अच्छा मिल सकता है। तीसरी बात जो है इंटरनेशनली, मैं कहूँगा कि आपको एक माहौल जो बन रहा है कि दिसंबर मंथ में यूजुअली ये हेज फंड्स प्रॉफिट बुक करते हैं, तो एज क्लोजर टू दिसंबर 31 आते हैं बहुत से लोग अपना मार्केट से, और रेफाई के इन्वेस्टमेंट में देखें तो सबसे बेहतर रिटर्न उनको कैलेंडर ईयर में इंडिया से मिला है, तो नेचुरली प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा इंडिया से होगी, तो अच्छी खबर है कि उनको रिटर्न अच्छी बनी, मगर उसके कारण शायद वो प्रॉफिट बुकिंग भी करें। तो वो है इंटरनेशनली वॉलिटिलिटीज के कारण, जो अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो वहां पे थोड़ा आपको करेक्शन दिखेगा। और डोमेस्टिकली दिसंबर 3 एक इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि जो 5-6 स्टेट्स में जो इलेक्शंस है, खास करके 3 जो हिंदी बेल्ट में है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उसके रिजल्ट्स भी थोड़ा मार्केट सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर सकती है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो दिसंबर 3 एक इम्पॉर्टेंट डेट होगा, जहां तक अब वेट करेंगे टू सी व्हाट दी रिजल्ट्स आर लाइक, उसके बाद फ्रेश डायरेक्शन मार्केट पकड़ सकती है। डोमेस्टिकली इन्फ्लेशन भी मेरे ख्याल में कंट्रोल में रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब तक मे बी एक रेंज बाउंड हम सिनारियो देख सकते हैं मार्केट में। ऑफ कोर्स फर्स्ट ट्रिगर जो आएगा वो 3 दिसंबर को आएगा, जहाँ जो 5 राज्यों के इलेक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अभी आगे जाके आप कैसे देख रहे हैं सिनारियो? क्योंकि जैसे आपने कहा कि चाइना प्लस वन, और आज मेरे साथ एक मैनेजमेंट भी था वो भी कह रहा था कि चाइना प्लस वन से का उनको अभी बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि जो उनके जो एंड यूज़र्स हैं वो कह रहे हैं कि अभी हम चाइना से नहीं लेंगे, आपसे लेंगे, तो वो उसके लिए एक पूरा कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और वो था फ्लेयर पेन का, जिसका आज आईपीओ खुला है। तो ये ऑन ग्राउंड लेवल एक रियलिटी बनता जा रहा है। इमर्जिंग मार्केट्स में सर हम देखें तो इंडिया एक स्ट्रॉन्गर जोन पे खेल रहा है। अदर इमर्जिंग मार्केट्स जैसे ताइवान, ऑफकोर्स वहाँ भी एक पॉजिटिवनेस है, लेकिन इंडिया का रोल चाइना प्लस वन इमर्जिंग मार्केट पर से आप कौन से एरियाज में स्ट्रॉन्गर जोन देख रहे हैं, और कौन से सेक्टर्स में एक स्ट्रॉन्ग जोन देख रहे हैं? देखिए, ये पीएलआई स्कीम का लॉन्च इसीलिए हुआ था कि चाइना प्लस वन का एडवांटेज इंडिया को मिले, क्योंकि हमारे पास लेबर का सप्लाई बहुत है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट भी वर्ल्ड में अमंग द लोएस्ट है अलोंग विद वियतनाम। तो नेचुरली ये लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत बेहतर है। मगर स्टॉक मार्केट के अंदर खेलने के लिए आप देखें तो दो चीज है कि जैसे ऑलरेडी विन्स कहाँ पे दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में दिख रहे हैं, मोबाइल फोन में दिख रहे हैं। अभी वो ऐसे कंपनी है जो इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती है, एक्सपोर्ट ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती है, मगर स्टॉक मार्केट में शायद शामिल ना हो, क्योंकि ये सब एमएनसी के सब्सिडरीज होते हैं जो यहाँ के मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारे मार्केट में लिस्टिंग नहीं होता है। दूसरी बात है कि इवन डोमेस्टिकली अगर टेक्सटाइल सेक्टर या ऑटो सेक्टर में पीएलआई की बात करें, तो क्या होता है कि टैक्सेशन में
एग्जिस्टिंग कंपनीज और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आपको करीबन 8% का डिफरेंस है। एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए 25% मार्जिनल टैक्सेशन है प्लस सरचार्ज, और न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अगर सेटअप होती है तो उनके लिए खाली 17% है। तो इवन डोमेस्टिकली जो भी पीएलआई स्कीम का चाइना प्लस वन का एडवांटेज उठाने की कोशिश करेगा वो शायद एक सब्सिडरी फ्लोट करेगा अपनी कंपनी में और उसके जरिए वो पीएलआई में पार्टिसिपेट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आने के लिए कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि लिस्टिंग छोटी मोटी कंपनी की नहीं हो सकती है। आपको लिस्टिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं ना, जैसे 3 years ऑफ प्रॉफिट और वैसी चीज। तो डायरेक्टली पीएलआई और चाइना प्लस वन का स्टॉक मार्केट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट में उतना नहीं दिख रहा हूँ, इकोनॉमी में मैं बहुत बढ़िया इम्पैक्ट दिख रहा हूँ। तो इसके कारण स्टॉक मार्केट में आपने पूछा कि कहाँ दिखेगा, तो एक मीडियम टर्म टाइम फ्रेम में देखिए, पहली चीज है ये फैक्ट्रीज लगने हैं ना फॉर पीएलआई स्कीम। तो फैक्ट्रीज को बनाने में आपको कैपिटल गुड्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, स्टील, ये सब की डिमांड, सीमेंट, ये सब की डिमांड होगी। तो नेचुरली वहां पे एक अपटिक आप देखते हैं टॉप लाइन और उसके साथ बॉटम लाइन में भी। तो ये एक सेक्टर डेफिनेटली बेनिफिट होगी। सेकेंड, ये पीएलआई के जरिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उसके कारण आपको क्या है कि सर्विसेस सेक्टर में जैसे लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और यू नो बैंकिंग, रिटेल, एयरलाइंस, होटल्स, ये सब में एक स्पिल ओवर इफेक्ट आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अराउंड पीएलआई। आपके इन सेक्टर्स में सर्विसेज सेक्टर में भी एक बेनिफिट देखेंगे। और तीसरी बात है कंजम्पशन में, क्योंकि जैसे ही ज्यादातर लोग एंट्री करते हैं एक सैलरीड ब्रैकेट में तो नेचुरली वो घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदते हैं, तो कंजम्पशन की स्टोरी का भी बहुत स्ट्रांग ग्रोथ होगा। एंड ओवरऑल क्या है कि अल्टीमेटली पीएलआई के जरिए जो फैक्ट्री सेटअप होती है या कंजम्पशन जो होती है उसके कारण दोनों के लिए बैंक फाइनेंसिंग या एनबीएफसी फाइनेंसिंग की जरूरत है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को भी इसका लाभ मिलेगा। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए ये सब सपोर्टिव सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा, बट डायरेक्ट पीएलआई का कोई सेक्टर को बेनिफिट आना बहुत कम, शायद पावर सेक्टर में थोड़ा आपको दिख सकता है, मगर अदरवाइज आई डोंट सी दैट बहुत ज्यादा आपको एक डायरेक्ट कोरिलेट, वन टू वन कोरिलेशन बिटवीन चाइना प्लस वन एंड स्टॉक मार्केट इतना आसानी से नहीं होगा, मगर ओवरऑल इकोनॉमी के लिए डेफिनेटली माहौल बहुत बढ़िया होगा, लॉन्ग टर्म जीडीपी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी खबर होगी ये। चलिए जी, आपने जैसे भी कहा यू नो इंफ्रा आ गया, होटल्स, एयरलाइन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आ गया, कंजम्पशन देखे तो ये थीम भी अभी बहुत प्ले आउट हो रहा है। बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑफ कोर्स एक बैकबोन है इकोनॉमी का और अभी मार्केट का भी, क्योंकि 40% बैंकिंग और फाइनेंस का होता है। लेकिन जो पावर पावर का आपने बोला और वहाँ अभी देख रहे हैं हम पावर कंपनीज भी अभी यू नो हम रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ देख रहे हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जैसे बढ़ रहे हैं, तो ये जो सेक्टर्स है ऑलरेडी अभी यू नो इन डिमांड है। लेकिन दूसरा एक जो सेक्टर है जो धीरे ऊपर आ रहा है और राइटली सो, वो है फार्मा सेक्टर, क्योंकि एवरी डे हम कुछ न्यूज़ देखते हैं। और आप फार्मा सेक्टर के बारे में आपकी क्या राय है आगे जाके? देखिए फार्मा सेक्टर में क्या है कि इसमें दो अंग है, उसमें एक है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा जहाँ पे आपको जेनेरिक्स भी आते हैं, प्रोडक्ट्स भी आते हैं, और दूसरा होता है डोमेस्टिक फार्मा जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स भी आते हैं और उसके साथ आपको डायग्नोस्टिक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल टूरिज्म होता है। तो डोमेस्टिक फार्मा पे ऊपर मेरा बुलिश है आउटलुक, बिकॉज जैसे ही इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़ रही है तो लोग भी ज्यादातर हॉस्पिटलाइजेशन से डर नहीं रहे हैं, तो ज्यादा भर्ती हो रहा है तो हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ रही है। सो एक डोमेस्टिक फार्मा ओरिएंटेशन में मेरे को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एक्सपोर्ट फार्मा में क्या है कि आपको बहुत स्टॉक सेलेक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड तो एक स्लोडाउन में जा रही है, तो ओवरऑल एक ब्रॉडली कोविड के टाइम में नेचुरली प्रोडक्ट्स के डिमांड थे, वैक्सीन से लेकर दवाइयों की डिमांड बहुत थी, तो नेचुरली फार्मा का पोस्ट कोविड में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। मगर उसके बाद जैसे कोविड और ये सब अंदर आ गए तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में वर्ल्ड ग्रोथ के साथ ही ये ग्रोथ होगा। तो फार्मा में अगर आप थोड़ा डोमेस्टिक टिल्ट लेंगे तो मेरे ख्याल में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। और सेकंड चीज है कि फार्मा में सपोर्ट कहाँ से आता है कि फॉरेनर्स जब निवेश करते हैं उनके लिए फार्मा एक सेफ्टी सेक्टर होता है। तो जब वो एक रिस्की इमर्जिंग मार्केट में निवेश कर रहे हैं जैसे इंडिया, तो उनके लिए सेफ्टी ढूंढते हैं, तो उस सेफ्टी की पैक में होती है एफएमसीजी एक तरफ, बैंकिंग एक तरफ, और तीसरी होती है फार्मा। तो फार्मा को एक बॉटम प्रोटेक्टिव बाइंग सपोर्ट ऑलवेज एफआईएस के जरिए थोड़ा बहुत मिलेगा।
और डोमेस्टिक फार्मा में मैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी देख रहा हूँ, तो मेरी व्यू इन फार्मा न्यूट्रल टू आउट परफॉर्म में है। और साथ में जो ऑटो सेक्टर जिसका हम रन अभी काफ़ी समय से बढ़ता हुआ देख रहे हैं, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल्स में, मे बी टू व्हीलर्स अभी पिकअप होने की ऐसे हमको लग रहा है कि अभी पिकअप होगा, कैसे देख रहे हैं सेक्टर एज अ होल? और अभी हम देखें ऑफ लेट तो ऑटो एंसिलरी में भी हम एक ज़्यादा एक अपमूव देख रहे हैं। सेक्टर एज अ होल क्या लगता है आपको, वैल्यूएशन वाइज कैसा है और ये एरिया निवेश करने के लिए आपको कैसे लग रहा है? कि आपने सेक्टर एज ए होल की बात की, बट एब्सोल्युटली ऑटो इज नॉट द सेम एज अ सेक्टर, क्योंकि ऑटो के अंदर बहुत से सब सेक्टर्स होते हैं, राइट? तो एक तरफ ऑटो इज लिंक टू इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में लाइट एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स का बहुत ये होता है, राइट? तो वो सिक्लिकलिटी आती है वहां पे, इकोनॉमिक साइकिल जैसे बढ़ती है आपको डिमांड फॉर वो बढ़ेगा, वो एक सेगमेंट होता है। दूसरा होता है ट्रैक्टर्स, जो कि एग्रीकल्चर मानसून की कैसी अप्रोच है, एग्रीकल्चर में दाम ठीक है तो लोग जाके ट्रैक्टर्स खरीदते हैं, तो उनका मानसून के साथ उसका साइक्लिकलिटी है। तीसरा हुआ पैसेंजर व्हीकल, तो अभी पैसेंजर व्हीकल्स में भी क्या आप देख रहे हैं कि एक है एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स, जैसे आपने बताया टू व्हीलर, दूसरा होता है स्मॉल वैल्यू कार्स, राइट, जो एंट्री लेवल में कार होते हैं, और दूसरा होता है हाई वैल्यू परचेसेस, जैसे एसयूवीज जो 7 लाख के ऊपर होता है। तो ये एंड देन ऑटो एंसिलरीज, और वो एक फाइनल है। तो ऑटो का एक सिंगल माइंड से हम एक व्यू नहीं ले सकते हैं, सब सेगमेंट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है और डिफरेंट वैल्यूएशन का सिनेरियोज है। अब अपने ऑटो एंसिलरीज की बात की, अब एंसिलरीज के अंदर भी डोमेस्टिक सप्लायर्स है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंसिलरीज है, तो ऐसे देखें तो एक एक को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेचुरली वर्ल्ड की ग्रोथ अगर स्लो डाउन हो रही है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंसिलरीज में भी थोड़ी स्लो डाउन में दिक्कत होगी और दे विल बी नॉट ग्रोइंग एट दैट फास्ट। बट डोमेस्टिक एंसिलरीज में क्योंकि वहां पे अभी ईवी का जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो नए बैटरीज और बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब कंपनीज के लिए फ्यूचर अच्छा है, बिकॉज ग्रेजुअली इंडिया अपना पेट्रोल और डीजल और इसके ऊपर डिपेंडेंस कम करा के इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है थ्रू सब्सिडीज एंड लॉन्ग टर्म, तो ये ऑटो एंसिलरीज इन द स्पेस ऑफ ग्रीन एनर्जी में बहुत उसमें पोटेंशियल है और बहुत कैपेक्स भी होगा उसमें, तो उसमें अच्छी ग्रोथ है। ट्रैक्टर्स का विद मानसून है तो सिक्लिकलिटी है, तो वो एक जजमेंट लेना पड़ेगा। बट द सेम टाइम कमर्शियल व्हीकल्स में मैं बुलिश हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण और प्राइवेट सेक्टर अभी धीरे धीरे शुरू किया है। पीएलआई की बात कर रहे थे हम, पीएलआई के जो फैक्ट्रीज लगते हैं वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको एलसीवीज और एचसीवीज की जरूरत पड़ती है, तो उसमें मैं बुलिश हूँ क्योंकि एक अप ट्रेंड बुलिश साइकिल में है। और एंट्री लेवल एसयूवीज एंड अबव, तो डेफिनेटली एक प्रीमियमाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जो हो रही है उसमें उसका डिमांड स्ट्रांग रहेगा, मगर एंट्री लेवल में अब तक वो नहीं दिखा है, बिकॉज पीपल अभी तक वो पोस्ट परचेज को पोस्टपोन कर रहे हैं। मगर मेरे के लिए आने वाले दिन में आप देखेंगे कि रूरल में एक मानसून अच्छी नहीं रही, फिर भी प्राइसेस थोड़े फर्म रहे, तो रूरल के हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, नरेगा का पेमेंट भी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत मैं अब बॉटम ऑफ द पिरामिड में जैसे टू व्हीलर्स और लो वैल्यू कार्स में मैं एक अपटिक धीरे धीरे देखने की आशा रख रहा हूँ। जी तो आज सर, वहां पे वैल्यूएशंस बहुत गिर गए हैं बिकॉज नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, तो एक रीजनेबली सेफ्टी बाई होगा उस सेगमेंट में। तो ओवरऑल मेरे लिए ऑटो ओवरऑल में न्यूट्रल टू आउटपरफॉर्म में भी रखूंगा, बट पॉकेट्स है जहां पे थोड़ा सावधान रहनी चाहिए, बोथ बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस एंड बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, तो ऑफ कोर्स पॉकेट्स जहाँ सभी एरियाज में हमको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि अभी सेक्टर एज अ होल हम नहीं देखते हैं, हम स्टॉक स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक भी देखते हैं। बट ऑन दैट नोट, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके वैल्यूबल व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए।